न्यूज़ यू कैन यूज़ में आज बात उन लोगों की जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी मदद करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। आइए जानते हैं कि कोरोना महामारी उनके लिए कैसा कहर बरपा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा की तो दिल्ली से फिर से पलायन का सिलसिला शुरू हो गया। इस भयावह स्थिति में भी जब सारे देश से डराने वाली खबरें आती रही हैं तो ऐसे में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कहीं लौट जाने का ठिकाना भी नहीं है। पिछले 20 सालों से दिल्ली में रह रही अनीता की स्थिति भी वैसे ही है। दीदी, लॉकडाउन कैसे आपको परेशान कर रहा है, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। दिक्कत तो होते हैं, कोई काम करवाते हैं, कोई नहीं करवाते हैं। आने जाने में कोई दिक्कत हो रही है? हाँ, कोई मना करते है, कोई करते करो, कोई करते नहीं करो काम। और सोसाइटी में आने में कुछ दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होते हैं, कोई करवा रहा है, कोई लॉकडाउन के पैसा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। कोई पैसा नहीं दे रहा है? कोई दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, ऐसे भी लोग हैं। वहीं दूसरी ओर है राजेंद्र, जो हालातों से समझौता कर चुका है। हालात उसके भी अच्छे नहीं है। रोज की दिहाड़ी कमाने वाले राजेंद्र के 3 बच्चे हैं और ऐसे समय में रोज काम करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। सब जैसे भगवान भरोसे चल रहा है, कोरोना की ये दूसरी वेव जैसे कंगाली में आटा गीला कर रही हो। हालात पहले से थोड़े बेहतर होते तो उनसे समझौता भी किया जाता। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, 3 बच्चे हैं हमारे, हमारा तो यही काम है, और कहीं तो पैसा आना नहीं है। रोज काम करना, रोज रोटी कमाना है। परेशानी यही है कि अब काम धंधे खुले नहीं है, परेशानी तो सबके ही साथ है, वो अब झेल तो रहे हैं। और एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये कमा लेते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। रोज कमाना होता है, रोज ही खाना होता है, क्या कर सकते हैं। किराया भी देना होता है घर का, 3-4 हज़ार रुपये घर का किराया है, प्लस 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम हैं, 5-6 जने हैं हम। ऐसे हालात में जब लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं तो वहीं राहुल पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है। लेकिन डर सबको लगता है, अपने से ज्यादा अपनों के लिए। तो खासकर मैं जब अपने घर के अंदर घुसता हूँ पहले, तो मेरे सामने मेरा भतीजा आता है, तो मैं उसको भी बोलता हूँ दूर रहे बेटा, मैं अभी बाहर से आया हूँ, मेरे अंदर कुछ भी है अभी, अब मैं जब तक नहाऊंगा नहीं आपको नहीं पकड़ूंगा। नहीं सर, डर तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि जब तक मैं कमाऊंगा नहीं, जब तक मैं खाऊंगा कहाँ से। और मेन चीज़ ये है कि अगर हमको ही डर लगने लग गया तो फिर हम कमाएंगे नहीं, ना कुछ करेंगे, तो फिर हमें देगा कौन। कि हमें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, चाहे कुछ भी हो, हमें जैसे भी हो, हमें 1000 लोगों से बचकर काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी हैं, चाहे गेस्ट हो चाहे कोई भी हो, हमें तब भी अपनी जान की परवाह करके हम तब भी उन लोगों के लिए ड्यूटी करते हैं। मेरे मम्मी हैं, भाई है, भाभी हैं, पापा तो पहले ही डेथ कर गए थे तो पापा नहीं हैं, और अभी मेरे घर में कोई ऐसा कोविड का बंदा नहीं है। लेकिन भगवान की दुआ से यह है कि सब चीज़ अच्छा है मेरे घर में, लेकिन कभी कोविड होने की तादाद में नहीं आई है। अगर ऐसा होता भी है तो फिर वो भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। मेरे को भी डर है, मेरे परिवार को भी डर है, सबको डर है, छोटे बच्चे हैं, अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो हमें चिंता होती है। चाहे मुंशी प्रेमचंद के किरदार हो या हमारे इर्द गिर्द के जीते जागते लोग, हिंदुस्तान की हकीकत आज भी वही है कि 2 जून रोटी के लिए कई लोगों को हाथ तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। तो अगली बार आप किसी ऐसे इंसान के पैसे काटने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि कोरोना की महामारी हम सब के लिए आई है। आपके लिए लड़ाई महज स्वास्थ्य की हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए लड़ाई स्वास्थ्य के साथ पेट की भी हो सकती है। अपने YouTube चैनल के लिए मैं तुषार उप्रेती, धन्यवाद।